फ्रेंड्स, वेलकम टू शोज किचन। आज हम बना रहे हैं बटर चिकन, जो मेरी फेवरेट बेटी है शिवाली, जो यूएस में, उसके रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। तो ये है चिकन 1 kg, ये है 8 टमाटर कटा हुआ, काजू 1/2 कप, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, काली मिर्ची एंड फूड कलर जो रेड ऑरेंज होगा, और कर्ड। पहले हम चिकन में ये जो ड्राई मसाले हैं उसे हम मिला देंगे। इसमें हम रेड चिली, फूड कलर और गरम मसाला और सॉल्ट को इसे मिला देंगे। मिक्स करके इसे हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे और दही डालेंगे। इसमें हम 3 टेबलस्पून कर्ड डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाकर इसे 1/2 घंटे के लिए हम रख देंगे। देखिए, ये अभी हमने अच्छी तरह से मिक्स करके इसे रख दिया है। इसे 1/2 घंटे तक आप ऐसे ही रखिए, इसमें अच्छे से मसाला मिल जाएगा। आप इसमें ज़्यादा मसाला वगैरह मत डालिए, बहुत ही सिंपल और बहुत टेस्टी बनेगा। ये टमाटो है, जो 8 टमाटर मैंने काट के टमाटो उसे काट के मिक्सर में डाला है, और ये 1/2 कप काजू है, कैशूनट और ब्लैक पेपर, और ये ब्लैक सॉल्ट है, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। और थोड़ा सा कड़ी पत्ता लगेगा, वो हम जब उसे फ्राई करेंगे जब डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्सर में पीस के इसका पेस्ट बना देंगे। अब हमने ये मिक्सर में हमने इसे अच्छे से पेस्ट बना लिया है, इसका पेस्ट बना लिए है अभी, और ये गैस ऑन कर दिया है, और कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल हमने डाला है। इसमें बटर भी जाएगा मगर वो बाद में जाएगा। अभी ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे। आप इसमें प्याज वगैरह मत डालना, क्योंकि टेस्ट उसका एकदम अलग आता है। शिवाली, इज इट ओके बेटा? दिस इज फॉर यू मम्मा। अब ये कड़ी पत्ता गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें जो ग्राइंड करके जो मसाला रखा था वो हम इसे पोर कर देंगे और इसे अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। थोड़े देर इसे अच्छे से भूनेंगे। इसमें आपको हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर कुछ भी नहीं डालना है। अब इसे अच्छे से हम पका कर फिर इसमें हम चिकन डाल देंगे। देखिए, ये भून चुका है। अब इसमें हम ये जो 1/2 घंटा हमने चिकन को मसाला लगा के रखा था उसे हम अब डाल देंगे इसमें। इसमें देखिए, हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं डाले हैं, मैं इसमें कभी भी नहीं डालती हूँ। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स करके इसे पकाना है। चिकन का पानी और दही दें, ये अपना पानी छोड़ा है, तो इसे इसमें अभी ग्रेवी दिख रहा है, तो ये हमें अच्छे से सुखाना है। और देखिए, ऑयल भी बाजू में आ गया है इसके, इसे अच्छे से हमें भून कर पकाना है अभी और थोड़ा 10-15 मिनट। देखिए, अब ये हो चुका है। अब इसमें हम बटर के पीसेस डाल देंगे और इसे अभी हम सर्व कर देंगे। ये हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये रेडी हो चुका है, हमने सर्व कर दिया है गर्मा गर्म लच्छे पराठे के साथ में विद फ्रेश कुकम्बर एंड लेमन। दिस इज फॉर यू शिवाली बेबी।